बिखराव किसी स्थिति में अंशिका नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर आंकड़े काफी कुछ बयां कर रहे हैं। तो एमपी का मेगा ओपिनियन पोल भी आ चुका है, एमपी में बीजेपी का जलवा बरकरार है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस ओपिनियन पोल में बड़ी हार नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें मिलने का अनुमान है और इसके साथ ही सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस सिमट सकती है। 2019 को भी हम नहीं भूलेंगे जब 2019 में भी कांग्रेस एक सीट पर जीती थी और 28 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार चौंकाने वाले तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि बरकरार बीजेपी का रह सकता है। तमाम जो सीटें हैं बीजेपी की वो दिखाई दे रही कि 28 सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, अनुमान है महज ये केवल, लेकिन अभी एग्जैक्ट रिजल्ट्स के लिए इंतजार करना बाकी है। चुनाव होने के बाद ही समझ में आ पाएंगे कि ओपिनियन पोल क्या वाकई एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे या नहीं होंगे। फिलहाल बड़ी खबर तो ये है कि ये मेगा ओपिनियन पोल और मध्य प्रदेश के लिए तो पॉजिटिव है, बीजेपी अगर देख रही है इस चीज को तो बीजेपी के लिए पॉजिटिव है। मध्य प्रदेश में ज्यादा सीटें ला रही है बीजेपी एज कंपैरेटिवली।